जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई डॉक्टर वैस फिरक और आप देख रहे हैं वैस फिरक यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है चोरी मनीर गुंदल साहब के डेरे की वीडियो है आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सके बआसानी सबसे पहले। और चले आपको जानवर दिखाते हैं। जानवर दिखाने के साथ साथ एक आपको आज चीज़ दिखाएंगे हम लोग। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जानवर के जिस्म पे जो ठप्पे लगते हैं ये ठप्पे किस वजह से लगते हैं। अब आपको ठप्पा दिखाते हैं साथ आपको बात बताते हैं जी। आइएगा ज़रा, ये आपको ठप्पा दिखा रहे हैं ये जानवरों की टांगों पर लगा होता है। ये भी जो आपको ठप्पा दिखाया ये जानवरों की टांगों पर मुख्तलिफ ठप्पे लगे होते हैं मुख्तलिफ लोगों के। ये असल में जो है ना ये आपको ठप्पा नज़र आ रहा होगा। अब इसकी ठप्पों की जो तफसील है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। बहुत सारे दोस्तों के जो हैं सवालात होते हैं कि जानवर के जिस्म पे जो ठप्पा लगा होता है ये ठप्पा किस चीज़ की निशानी है, या ये ठप्पा स्पेशल नीली के जानवर पर लगता है या और किसी जानवर पर भी लग सकता है। ये जो है ना आपको ठप्पा दिखाते हैं, ठप्पे के बाद जो है ना वो बात आगे शुरू करते हैं हम लोग। ये जनाब जिस ठप्पे की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहे हैं अभी। ये जनाब सेकंड जानवर है जिस पे हम लोग दिखा रहे हैं आपको, जो आपके साथ अभी मैंने ठप्पे शेयर किए हैं। ये ठप्पे जो है ना वो स्पेशल नीली की भैंसों के ऊपर नहीं लगे होते, ये इलाके वाइज लोग आज से जब तकरीबन आज तो लोगों के पास हर बंदे के पास अपनी अपनी जगह है, अपने बाड़े हैं, अपना सेटअप है सारा। कुछ अर्सा पहले तकरीबन 20-25 साल पहले जब लोग जो है ना वो रेवड़ दरियाओं के इलाके में जानवर चराई करवाया करते थे तो तब जानवर के ऊपर अपनी निशानी को रखने के लिए कि ये जानवर जो है ना वो किसी घर का गोल टिप्पा होता था, किसी घर का जो है ना वो मतलब W बना होता था, किसी का S, किसी का 5, किसी के डबल होते थे 8 बना होता था। फिर हर बंदे ने अपने हिसाब से ठप्पे लगाने शुरू कर लिए क्योंकि जानवरों की जो है ना वो आसानी से पहचान हो सके, ये इस फलां घर की भैंस। अगर भैंस जो है ना वो सारी इकट्ठी चराई कर रही होती थी भैंसें तो वो भैंसें जो है ना वो उनकी निशानी रखने के लिए ठप्पे जो लोग लगाते थे। आज जनाब जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ठप्पों के हवाले से तो है ही है, इसके अलावा ये जनाब जो माल है ये चोरी मनीर गोंदल का माल है जिनका शौक़ जो है ना माशाल्लाह से बड़े कम लोगों के पास ऐसा खूबसूरत शौक़ होता है। आपको भी भैंसें दिखाते हैं, बहुत सारी नीली की क्वालिटी है इनके पास और क्रॉस ब्रीड भी है इनके पास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जानवर दिखाने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके बआसानी सबसे पहले। और इंशाल्लाह नंबर वाइज आपको भैंसें दिखाते हैं बगैर वीडियो का टाइम ज़ाया किए हुए। इंशाल्लाह आए अब आपको जानवर दिखाते हैं जी हम लोग। ये जनाब वीडियो का आगाज़ कर दिया है अब मैंने, ये जानवर शुरू से एंड तक आपको दिखाते हैं सारे जानवर जो हैं इनके पास जी। नंबर ऑफ एनिमल से ये इनकी पहली भैंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये प्योर ब्लड नीली का है। इसमें ठप्पे वगैरह तो नहीं है लेकिन ठप्पों के बगैर ये नीली है माशाल्लाह से। आप भैंस की आंखें चेक करें जी, भैंस की गर्दन आपको दिखा सकूँ तो कोली वक्खी बाकी अडर क्वालिटी। ये तकरीबन वीडियो आप देखने के साथ साथ ये मैं आपको बताता चलूँ ये सारे जानवर जो है ना वो तकरीबन 8 से 10 महीने 12 महीने के अंदर अंदर के सूए हैं। अब आपको दिखाते हैं जी नंबर सेकंड भैंस, माशाल्लाह से लेट आए दुरुस्त आए। ये जानवर आप चेक करें जी, इसकी खुड्डे की जो खूबसूरती है ना वो बहुत कम जानवरों के पास होती है। इसका खुड्डा आप चेक करें कितना खूबसूरत है और इसकी हड्डियां जो है ना वो कितनी चौड़ाई में, इसको हम लोग कहते हैं ढाक की हड्डियां। इसकी कहाँ हड्डी आप चेक करें और पुट्ठा जो है ना वो जानवर का चेक करें। आपको अडर क्वालिटी दिखाते हैं जी माशाल्लाह से। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि जानवर जो है वो तकरीबन 1 साल के ब्याए हैं, 8 से 10 महीने 11-12 महीने के। अब आपको थर्ड भैंस की तरफ हम लोग लिए चलते हैं। ये जनाब भूरे रंग की भैंस है, इसकी क्वालिटी फुट भी आप चेक करें, पाँव चेक करें जी माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और बड़े बड़े हाइट की मालिक है ये भैंस जो है वो। ये भी तकरीबन जो है ना वो नीली की भैंस है।
कोली चेक करें आप, आंखें चेक करें जी, वात चेक करें आप। अब आपको अगली भैंस की तरफ हम लोग लिए चलते हैं जी। पुट्ठे से हम लोग इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट किया करेंगे। अब आपको दिखाते हैं जी अगली भैंस। ये इसकी हवाने की खूबसूरती है जी। ये आपको सारी भैंसें भी जो है ना नज़र आ रही हैं, अलग अलग करके भैंसें जो है ना आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये अब आपको अगली भैंस दिखा रहा हूँ। ये आप चेक करें जी, इस भैंस की खूबसूरती चेक करें आप माशाल्लाह से। ये फर्स्ट टाइमर छोटी है जी। और ऐसे ही आपको बाकी जानवर भी दिखाते हैं जी। जानवरों की क्वालिटी है और माशाल्लाह माहौल इतना अच्छा दिया है, हवा की क्रॉसिंग इनके पास बड़ी अच्छी है। ये शेड की लोकेशन है सारी इनके पास, ओपन सारा एरिया है। ओपन एरिया में हवा भी जानवर को ठीक लगती है और बाकी जो है ना वो सारे मामला। और ये अब नेक्स्ट भैंस की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी सी कमज़ोर है बॉडी में, लेकिन इसकी लेवल जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लेवल है इसका। भैंसें आपको नज़र आ रही होनी है, कोशिश करें। मैंने एक दो बार जो है ना वीडियो लगाई है इस चीज़ पे। अक्सर मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है कि कोशिश करें अपने पास क्वांटिटी को ना बढ़ाएं। जानवर जो है ना वो तादाद में ज़्यादा ना हो, लेकिन क्वालिटी में अच्छे होने चाहिए जितने भी हो, कम हो या ज़्यादा हो। लोग क्वालिटी को देखते हैं, क्वान्टिटी को नहीं देखते आजकल। हम भी कोशिश यही करेंगे कि आपको जो जानवर दिखा रहे हैं वो वही वाले जानवर दिखाएं। इनके पास की जो कलेक्शन है इनकी, तकरीबन सारी क्वालिटी वाइज जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। इस भैंस का जो है ना मैं खुद बड़ा दीवाना हूँ, बड़ी खूबसूरत भैंस है। अब तो एक साल की जो है ना वो सुई है। इसकी पुट्ठे की लंबाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, और हड्डियाँ बहुत बारीक हैं इसकी। ये जनाब नीली ब्रांड है जी। ये काफ़ी देर की बही है जी। अब तो काफ़ी सुए जो है ना अपने पास ब्याह चुकी है माशाल्लाह से। ये अगली भैंस आप चेक करें, इसकी खूबसूरती जो है ना वो बड़ी एक नयाब सी खूबसूरती है इसके पास ना। इसके बात की, इसके सर की, इसकी गर्दन की, इसकी हड्डी की, इसकी पुट्ठे की, ये भी जानवर जो है ना वो साथ में चारा भी इनटेक कर रहे हैं और साथ में वीडियो बनवा के एंजॉय कर रहे हैं जी जानवर माशाल्लाह से। लिए चलते हैं जी आपको अगली भैंस के ऊपर। कमेंट में लाजमी शेयर किया करें कि कौन सी भैंस अच्छी लगी है, कौन सी भैंस अच्छी नहीं लगी, और किस किस चीज़ की आपको वीडियो चाहिए उसी चीज़ पे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट काम करेंगे। ये फर्स्ट टाइमर जो है ना इनके पास तैयार हो रही है एक, मुझे तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगी है इसकी जी। अभी दिन लेती है, थाना आप चेक करें जी माशाल्लाह से। और हवाना थनों की बनावट आप चेक करें, जानवर की खूबसूरती चेक करने के बाद। माशाल्लाह से जी
ये भी आप भैंस है करेंगे माशाल्लाह से। ये थोड़ी सी जो है ना वो बुजदल हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी डर रही है हमसे। ये गब्बन जानवर है मेरा ख्याल तैयार हो रही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीडियो का सेकंड पार्ट भी बना के आपके साथ शेयर करेंगे, और सेकंड पार्ट पे जो है ना वो आप देखिएगा कि तीन तीन चार चार भैंसों का एक ग्रुप जो है ना हम लोग अलग-अलग चला के आपको दिखाएंगे उनकी चाल, उनकी खूबसूरती जो है ना वो कैसी लगती है चाल पे। माशाल्लाह से इस भैंस की जो अंडर क्वालिटी है ना वो इस टाइम सबसे खूबसूरत है, क्योंकि ये थोड़े टाइम की ब्याई है। माशाल्लाह ये जनाब अगली भैंस आपको दिखा रहे हैं। भैंस के ऊपर आप पशम चेक करें, ये भी फर्स्ट टाइमर है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हाइट की मालक है। थाना आप चेक करें जी माशाल्लाह से कितने खूबसूरत है, हड्डियाँ कितनी खुली हैं और बॉडी कितनी खूबसूरत है।